नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति गर्ग स्वागत करती हूँ आप सबका गर्ग ट्यूशन पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे कि सर्कल क्या होता है और उसके बारे में उसके बाकी सारी चीजें जैसे रेडियस, डायमीटर, सेंटर और बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। करते हैं हम सर्कल की। सर्कल क्या होता है? तो देखिए, एक फिक्स पॉइंट होता है और इस पे हम फिक्स पॉइंट की हेल्प से हम एक सर्कल बनाते हैं। ये एक देखिए, दिखने में पता चल रहा है कि एक क्लोज फिगर है जहाँ पर सिर्फ आपकी एक कर्व है। एक कर्व है आपकी जो जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं पर उसका एंड हो रहा है, इसलिए क्लोज फिगर है और कर्व इसमें सिर्फ एक यूज हुई है। देखिए, इसमें ना तो कोई कॉर्नर है ना कोई एजेस है। तो सर्कल क्या हुआ? एक राउंड शेप, कोई भी राउंड शेप ऑब्जेक्ट या थिंग, जैसे कि सीडी कह सकते हो आप, पेन हो गया राउंड शेप है, अगर इसकी टिप की बात करें तो राउंड शेप है। तो सर्कल क्या होता है? एक राउंड शेप होता है जिसका एक फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट का कर्व होता है इसमें, इसमें ना हमारे कोई कॉर्नर और ना ही हमारे एजेस होते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमारी सर्कल के अंदर होती है। तो सबसे पहले हमारी सर्कल में आती है सेंटर। जिस फिक्स पॉइंट से आपका सर्कल बनता है वो कहलाता है हमारा सेंटर। जैसे हम यहाँ सेंटर को नाम दे रहे हैं ओ, तो फिक्स पॉइंट जिसके थ्रू हम सर्कल बनाते हैं वो कहलाता है हमारा सेंटर। इसके बाद आती है हमारी रेडियस। फिक्स पॉइंट से सर्कल के जो ये कर्व होती है इस पर कहीं भी अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो ये लाइन ड्रॉ हुई स्ट्रेट भी हो सकती है ये, तो जो ये एक फिक्स पॉइंट से कर्व पर कहीं पर भी जो लाइन ड्रॉ हुई ये इतना पार्ट कहलाता है हमारा रेडियस, ठीक है। तो क्या हुआ? हमारा सर्कल से सेंटर के, सर्कल के सेंटर से कर्व के किसी भी फिक्स पॉइंट तक जो हमारी लाइन ड्रॉ हुई वो कहलाती है हमारी रेडियस। जैसे कि यहाँ हम इसको नाम दें ए बी सी डी ई एफ, तो ओ ए भी हमारी रेडियस है, ओ बी भी हमारी रेडियस है, ओ सी भी हमारी रेडियस है, ओ डी बी, ओ ई बी और ओ एफ बी, हमारी बहुत सारी रेडियस हो सकती है एक सर्कल के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा सर्कमफ्रेंस, थर्ड है इसमें हमारी। फर्स्ट थी हमारा सेंटर, सेकंड है हमारा रेडियस, थर्ड है हमारा सर्कमफ्रेंस। पूरे सर्कल का जब हमें लेंथ फाइंड आउट करना हो तो वो कहलाता है हमारा सर्कमफ्रेंस। पूरे सर्कल का जब हमें लेंथ फाइंड आउट करना हो, पूरे सर्कल की लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो वो कहलाता है हमारा सर्कल की सर्कमफ्रेंस। इसके बाद आते हैं हमारा फोर्थ डायमीटर, या इससे पहले करते हैं हम कोड। पूरे सर्कल में ये आपका सर्कल है, पूरे सर्कल में जब आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो, चाहे आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, चाहे आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, चाहे सेंटर से होके जा रहा हो चाहे नहीं जा रहा हो, लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो तो वो कहलाता है हमारा कोड, ठीक है। कोड क्या होता है? सर्कल का एक लाइन सेगमेंट जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, सर्कल के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाता है। जैसे यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ, इधर पी क्यू आर एस यू वी, ये सारे ही हमारी कोड्स हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ और बाकी
जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को सर्कल के सेगमेंट को मिलाता है वो कहलाता है हमारा कोण। इसके बाद बात करते हैं हम डायमीटर की। फिफ्थ है हमारा डायमीटर। डायमीटर क्या होता है हमारा? ये आपका एक सर्कल है। जब हम सर्कल के सेंटर से जब हमारी एक कोर्ड जा रही है, सर्कल के सेंटर से जब कोर्ड जाती है चाहे ऐसे और चाहे ऐसे, तो ये कहलाती है हमारा डायमीटर। ठीक है, जैसे सर्कल है हमारा, सेंटर है ओ और कोर्ड है हमारी ए बी और सी डी, तो डायमीटर क्या है हमारा? ए बी और सी डी। जब सेंटर से होके गुजरे, सेंटर से पास थ्रू होता है हमारा लाइन सेगमेंट, हमारा कोर्ड, तो वो कहलाता है हमारा डायमीटर। तो आपको आई पांचों इसके कैरेक्टरिस्टिक समझ में। सेंटर, सेंटर क्या होता है? सर्कल का वो पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट जिससे हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं। रेडियस, सर्कल से किसी भी पॉइंट, इसकी जो भी कर्व है इसके ऊपर जितनी भी पॉइंट को मीट करते हैं वो कहलाती है हमारी रेडियस। सर्कमफ्रेंस, पूरे सर्कल की जब हमें लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो वो सर्कमफ्रेंस होती है। कोर्ड, इसके दो पॉइंट्स को मीट करना, सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मीट करना, वो कहलाता है हमारा कोर्ड। डायमीटर, कोर्ड जब हमारे सर्कल के सेंटर से होके पास होती है तो वो कहलाता है डायमीटर। और ये ध्यान रखिए, डायमीटर हमारे पूरे सर्कल की लार्जेस्ट कोर्ड होती है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन अराइज होता है, हमारा इसमें एक चीज आती है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। हमारे सर्कल में एक रिलेशनशिप होता है डायमीटर और रेडियस में, तो देखते हैं। देखिए, दो चीजें हमारी, फर्स्ट वन इज रेडियस एंड सेकंड वन इज डायमीटर। देखिए, ये हमारा सर्कल है और ये हमारा सेंटर है ओ। हमारी इसकी रेडियस है ओ ए, रेडियस क्या है हमारी ओ ए। और मैंने अभी आपको बताया डायमीटर भी सर्कल से पास होके करता है, और ये पूरी जो लाइन हुई है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ हुआ है, ये कहलाएगा हमारा डायमीटर। तो डायमीटर क्या है हमारा ए बी और रेडियस क्या है हमारी ओ ए। देखिए, ए बी कैसे निकल रही है हमारी, ओ ए प्लस में ओ बी, ओ ए प्लस में ओ बी क्या बनती है हमारी, ओ ए प्लस में ओ बी क्या बनती है हमारी ए बी। और मैंने अभी बताया था पूरे सर्कल में जितनी भी रेडियस होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, अगर ये इतनी रेडियस यहाँ से यहाँ तक 5 है तो ओ से बी तक भी हमारी 5 होगी। तो क्या हुआ हमारा, ओ ए इक्वल टू ओ बी। ठीक है, तो यहाँ मैं ओ ए ओ बी को क्या लिख सकती हूँ, ओ ए, तो ए बी क्या आ गई हमारी 2 ओ ए। तो क्या हुआ यहाँ पर ए बी। डायमीटर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई ओ ए क्या है रेडियस। तो डायमीटर निकालने का फॉर्मूला है आपका 2 मल्टीप्लाई रेडियस, इसका मतलब डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल हमारा क्या होता है डायमीटर। और यहाँ से अगर हमें ऑलरेडी रेडियस दियो तो डायमीटर कैसे निकलेगा, ए बी डिवाइडेड बाय 2, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। इसका मतलब अगर हमें रेडियस निकालनी है और डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, रेडियस निकल जाएगा। और अगर हमें डायमीटर निकालना है तो रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा डायमीटर निकल जाएगा। तो ये रिलेशनशिप होता है हमारा रेडियस और डायमीटर में। अब बात करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की। देखिए स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट्स इन द फॉलोइंग सर्कल। आपको एक सर्कल दिया हुआ है और इसमें आपका सेंटर दिया हुआ है, ये आपका डायग्राम दिया हुआ है एक, ये डायग्राम दिया हुआ है जो इसे नेम्ड किया हुआ है, जिसे नेम कर रखा है। इसमें आपको बताना है कौन सा सेंटर है, कौन सी रेडियस है, कौन सा कोर्ड है और कौन सा डायमीटर है। तो आई होप आप, मैंने अभी जो आपको थ्योरी बताई उसके हिसाब से इसका आंसर कर लोगे। अगर आप खुद करके मुझे
सेंड कीजिए, नहीं आएगा तो मैं आपको आंसर की सेंड करूंगी, इसका सॉल्यूशन बताऊंगी, लेकिन आप पहले खुद ट्राई कीजिए इसके दोनों पार्ट्स को कि इसमें कौन सा कोड है, सेंटर है, रेडियस है। आप खुद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया हुआ है, आपको ये डायग्राम दिया हुआ है 20 और पीछे मेजरमेंट लिखिए सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से आपको सेकेंड क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और आपको रेडियस निकालनी है। रेडियस का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, जब आप डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी रेडियस निकल जाएगी। तो आप 16 को 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा 8। और ध्यान रखिए मेजरमेंट निकला मत भूलना, अगर आप मेजरमेंट जैसे मीटर सेंटीमीटर जो आपको दिया हुआ है वो नहीं लिखते हैं तो इससे आपके मार्क्स कट हो जाते हैं, आपका आंसर कंप्लीट नहीं माना जाता। तो रेडियस दी हो, डायमीटर निकालने का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई रेडियस, डायमीटर दिया हो, रेडियस निकालने का फॉर्मूला डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो आई होप आपको एक्सरसाइज क्लियरली समझ आ गई हो, आप पूरी अपनी एक्सरसाइज सोल्व कीजिए, मेरे पास इसकी पिक सेंड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए थैंक यू।